बाल हरगोबिंद साहेब, जो कि बाबा बुड्ढा जी तो शस्त्र विद्या ले रहे ने। इनादा प्रकाश जिला अमृतसर गुरु दी वडाली विखे होया। कदों तक लक्कड़ दी तलवारा ना खेड़दे रांगे, सानू हुण असली तलवारा चाहिदी है। पहला जो सिखाया जा रहा है उस ते ध्यान दियो, असली तलवारा बाद च, उन्नू चुको ते अभ्यास जारी रखो। बाल हरगोबिंद साहिब जी दे बचपन विच गुरु करदे दोखियां वल्लों उहनां नूं खत्म करन दियां कई नाकाम कोशिशां कीतियां गईयां। लाहौर दी सेवा तों उपरांत पंचम पातशाह जी परिवार समेत अमृतसर साहिब विच आ गए। महामारी दा खतरा तां टल गया सी, पर गुरु दोखियां वल्लों महाजंग निरंतर जारी सी। सत करतार जी। सत करतार जी, बड़े देर बाद दर्शन दिदारे होए ने। बस जी, कम्मा काजां तो वेल ही नहीं मिलता। आज भी ऐसे बच्चे दे सबब ही आया। ये बालक कौन है? ये भाई वसन जी दा बेटा है, सुरसिंह वाले। छोटी उम्रे बुरी संगत विच पै गया सी। जे गुरु साहब जी दा हाथ सिर ते होवे ते नेकी दी राह ते चल सकदा। पंचम पातशाह जी ने फरमाया कि भविख विच गुरु नानक कर दी रहमत सदका भाई विधि चंद जी नानक निर्मल पंथ दा परचम बुलंद करनगे। श्री रामसर साहिब दे पवित्र स्थान ते 1604 ईस्वी विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि बीड दा संकलन ते संपादन करके संपूर्ण कीता। गुरु कर दे अनिंद सेवक बाबा बुड्ढा जी नू श्री आदि ग्रंथ दे पहले ग्रंथी वजों सेवा निभाउण दा सौभाग प्राप्त होया। संता के कारज आप कहलो, संता के कारज आप कहलो, हर कम करावन आया राम, हर कम करावन आया राम, संता के कारज आप कहलो,
संता के कारज आप करो या तरत सुहाविताल सुहावा तरत सुहाविताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम विच अमृत जल छाया राम संता के कारज हजूर प्रकाश कर दिता हर मंदिर च हर मजहब दे लोग उत्थे मत्था टेकन जा रहे ने तुसी नहीं गए भाई तुसी तो उन्हां दे भरा हो हुण मुगलां नूं नींद तो जगाउणा पएगा आलमपना उठे हुए सिर जे आज ही कलम ना किते गए ता बगावत कल नु दोबारा भी हो सकती है खुसरो दी बगावत च अर्जन देव दा ही हाथ सी सानू जल्द तो जल्द उना दे खिलाफ कोई सख्त कदम चुकने पैणगे आशीर्वाद ते बददुआवां दे नाल तख्त ने हिल्या कर दे जंग जीतण दे लई जंग जो ताकत दी जरूरत हुंदी है जंग जो ताकत दी ए पीरा फकीरा दी खेड नहीं है हक हजूरी आला चंदू शाह ते प्रीति चंद आए ने जहांगीर ने तख्त अपनी पकड़ मजबूत कर ली है सियासी माहौल हुण बदलन वाला है हजूर जे खुसरो दी बगावत विच असी खुसरो दे किसे भी साथी नू नहीं बख्शा तां इन्हां नू क्यों बख्शीए हजूर होर तां होर इन्हां ने अपना वखरा दरबार भी सजा लिया है जिथे सारे धर्मां दे लोग मत्था टेक रहे ने मत्था हाँ समझदा मैं कई अरसे तो वख-वख धर्मां दे लोकां नू ये अपने धर्म दे नाल जोड़न दी कोशिश कर रहे ने हजूर मैनू तां लगदा है धर्म दी आड़ च अपनी ताकत वधा रहे ने वेखना हजूर किते कल नू ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ इस दुकाने बातिल नु खत्म करन दा वक्त आ गया है ਆਲਮਪਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ
गुरु अर्जन देव जी दे नाल कुछ सिख श्रद्धालु भी लाहौर लई रवाना हो गए। जिन्होंने लाहौर नू हैजा मुक्त किया सी भाईजान, ये तो बीमार लोगों नू रोटी भी खवांदे सी। इन्हां दी वजह करके मैं अज जींदा हां, पर इन्हां नू फड़ के क्यों ले जा रहे हैं? इत्थे ही रुको, खान मुर्तजा इत्थे आंदे ही होंगे। जान, मुसाफरां दे लई कुछ दाने पानी दा बंदोबस्त हो सकदा? मेरा काम है तुहाडे ते नजर रखना, खातरदारी करना नहीं। ओ भाई, इन्ना तो कोई उम्मीद ना रखो, मैनू तो कोई होर ही गल लगदी है। खुशामदीद, खुशामदीद। अब तुहानू इत्थे जानवरां दे कोल किन्ने बिठाया है? असी जानते हैं कि अजिहा सलूक किदे कहणते हो रहा, बस ये जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा। वेखो, गल एकदम सीधी है, खुसरो नूं ते तुसी जानते ही हो, बादशाह दे खिलाफ शमशीर उठाई सी उन्हें, शमशीर तो खामोश हो गई, पर हुण अजे होर भी काम करने बाकी ने। आशीर्वाद देना कोई गुनाह तो नहीं? हाँ, गुनाह है, बागियां नूं आशीर्वाद देना गुनाह है, ते उस तो भी वड्डा गुनाह है अपना दरबार चलाना ते दूसरे धर्म दे लोकां नूं अपने धर्म दे नाल जोड़ना। डरो नहीं, तुसी ते संत हो, दरवेश हो, बहुत सारे लोग तुहानूं मनदे ने, बड़ी मन्नता है तुहाडी। वेखो, साडा मजहब मजहबी लोकां दा खून बहाउण तों मना करदा है, तुहाडा खून नहीं बहण दिया गया सी। नज़र बंद कर लो ते मेहमान खाने च इन्हां दा बंदोबस्त करो। जे तुसी कहिंदे हो कि परमात्मा एक है, तो फिर इस्लाम दा प्रचार क्यों नहीं करदे? गुरु साहब ने फरमाया, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड परान। तुहानू अंदाजा नहीं है कि इस नाफरमानी दा नतीजा की हो सकता है। गुरु जी ने कहा, अगर एक परमात्मा दा प्रचार करना गुनाह है, ता असी उस दे गुनाहगार हाँ। फिर यासा दे कानून दे मुताबिक सजा भुगतन दे लई तैयार कर लो अपने इस गुरु नूं। हुजूर, साईं मियां मीर जी आए ने। मियां मीर जी, आउण दिओ। तुसी ये गलत कर रहे हो, अल्लाह दे बंदियां नाल ये सलूक ठीक नहीं है। साहिब जी, की ठीक है ते की ठीक नहीं है, ये ते बादशाह जानदे ने। मैं तां बादशाह अगे भी यही फरियाद करना चाहना। बादशाह सानू हुक्म करके कश्मीर रवाना हो चुके ने, हुण ते सजा हो के रहेगी। ये कहर हो रहा है, कहर।
या अल्लाह। तैयार है? जी हजूर, सब तैयार है। ध्यान रखना, खून नहीं वहना चाहिदा। काफिरां नूं लै के आओ। अजे भी अपना फैसला बदल लो। अल्लाह दे बंदे दे नाल एक कहर ना करो, ना करो। चंगेज खान के दरबार च तीन सजावां होंदियां सी। तपत लो, तपत बालू, तपत नीर। अब जे मन डर रहा है तो अजे भी वेला है, अब फैसला बदल लो। आखिरी मौका है, बस एक कदम पिछे लेना। चलो लगाओ डुबकी।
बाकी काफरां दा की करना वापस जान दो इन्हां नूं यही तो जाके अपने साथियां नूं सुनाउणगे खौफ दी दास्तां पंचम पातशाह दी शहादत लई जिथे जहांगीर दी धार्मिक कट्टरता जिम्मेदार सी उत्थे चंदू शाह दी ईरखा ते बदला लाओ नीति ने भी वड्डी भूमिका निभाई। हुण वक्त आ गया है कि धर्मी लोकां नूं अपना धर्म बचाउण दे लई पीरी दे नाल मीरी दी शक्ति भी धारण करनी होएगी। हुण तख्त सिरजे जाणगे, तलवारां लिशकणगियां ते नगारे खड़कणगे, पर किसे जर जोरू जमीन दे लई नहीं बल्कि हुकूमत दे जबर जुल्म नूं रोकण लई ते इक धर्मी राज दी नीह रखण लई। दो तलवारा बद्धियां एक मीरी दी एक पीरी दी, दो तलवारा बद्धियां एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीरी दी। दो तलवारा बद्धियां एक मीरी दी एक पीरी दी, दो तलवारा सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पाए गए, जब बनी रह जाए तो वो प्यार गाए गए। गुरु जी ने ऐलान किया, अज तो शस्त्र कोड़े थे जोश नाल परे नौजवान ही मेरे लई प्यारी पेटा होंगे, मेरियां खुशियां प्राप्त करन लई शिकार करो, घोड़ सवारी करो ते वीर रस दियां कवितावां सुनो ताके मुर्दियां च जान पै जाए। तेरे कहन ते असी उन्हां दे गुरु नूं मौत दे घाट उतार दिता, पर की होया? कुछ नहीं, उन्हां दे सिर बगावत दे विच होर चे उठ गए।
ते अपना मजहब उन्होंने पूरी ताकत दे नाल होर वधा लिया है। इस तो पहला के पानी सिर तो उत्ते लंघ जाए हर गोविंद नू पेश किया जाए। अपना बादशाह हिंदुस्तान जहांगीर ने हरगोबिंद जी नूं आगरे च पेश होण दा हुक्म दिता है। असी गुरु जी दे नाल सवेरे दरबार च पहुंच जावांगे। शहनशाह हिंद ने हुक्म दिता कि गुरु नूं हुणे साडे नाल चलना पएगा। गुरु दे सिख दा कहा पत्थर ते लकीर हुंदा है जनाब। ठीक है, कोई नाफरमानी ना होवे। चलो जनाब। सारे दे सारे रसद दा जिहड़ा जनाब हरगोबिंद आए ने। बादशाह की ख्वाहिश है कि गुरु हरगोबिंद जी कल्ले ही आन। बादशाह की इल्तजा सी कि कुछ गुफ्तगुई तो करनी है, क्यों ना दो बादशाह आपस में ही कर लैन। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨੀ ਅਜੇ? ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠਹਿਰੋ, ਠਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। 300 ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ 4-5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੈਂਦੇ,
हुण जंग की तैयारी करनी होएगी ते जंग च तेरी सब तो ज्यादा लोड़ है। अमृतसर एक बार फिर गम दे हनेरे विच डूब गया। गुरु जी नाल प्यार करन वाला हर एक इंसान दुख ते निराशा दी जिंदगी बिता रहा सी। बच्चिया ने खेडना ते हसना छड़ दिता। लोग मनता मंगन लगे अते ईश्वर अगे अरदासां करन लगे। लोकां ने भजन कीर्तन नाल अपना दुख जाहिर कीता। कुछ लोग विरोध विच अग बबूला ते कुछ लोग प्रतिरोध दी अग विच झुलस रहे सी। गुरु ते बाबा बिधी चंद जी की कोई खबर नहीं सी ते लोकां दे नाल नाल पेंदे खांदे सबर दा बण भी टूट रहा सी। बागात चण चण चालियन तीरथ जाती जात नैन निहालियन। दिवाली दी रात दीवे वालियन तारे जात सनात अंबर वालियन। दिवाली दी रात दीवे वालियन तारे जात सनात अंबर बालियन। जहांगीर ने बेबुनियाद जुर्म ते जुर्माना लाया ते गुरु जी ने जुर्माना देन तो मना कर दिता ते उना ने धोखे नाल गुरु जी नू कैद कर लिया। ग्वालियर दे बरबर किले दे कैद खाने च रख्या गया उना नू। उत्थे किलेदार हरिदास गुरु जी दे आउन ते बहुत परेशान होया क्योंकि गुरु जी धर्मी किरत दा खाना चाहुंदे सन ते उना ने विरोध विच भोजन छकण तो मना कर दिता ते जदो असी उत्थे पहुंचे ते गुरु जी नू वेख के साडी खुशी दा टिकाणा ना रहा। कैद विच गुरु जी दी ताकत दिनो दिन वध रही सी ते बादशाह जहांगीर दी तबीयत उन्नी ही खराब हो रही सी। साई मियां मीर ते नूर जहां दे कहण ते बादशाह ने गुरु साहब नू रिहा करन दा हुक्म दे दिता पर गुरु साहब दियां इच्छावां कदे भी अपने तक सीमित नहीं सन। उन्हां कहा कि कैद विच सारे ही बेगुनाह हन, मैं इन्हां दे नाल ही रिहा होवांगा। ते बादशाह ने हुक्म दे दिता कि जो भी गुरु साहब दे चोले दियां कलियां फड़ के बाहर आउणगे ओ सब रिहा कर दिते जाणगे। दिवाली दी रात दीवे बालियन तारे जात सनात अंबर पालियन। दिवाली दी रात दीवे बालियन तारे जात सनात अंबर पालियन।
की होया? फिर साईं मियां मीर जी तो पता लग्या कि गुरु जी की रिहाई के हुक्म के नाल ही जहांगीर की तबीयत काफी सुधार आना शुरू हो गया। सब परमात्मा की कृपा है। पर मुगलों की कृपा साढ़े ते हमेशा नहीं रहेगी। खैर मैं तो पूरी फौज के नाल तैयार हाँ। ओए जंग च घोड़सवारी करनी पैंदी आ, कर लेंगा। अज मैं इस चंदू नू नहीं छड़ांगा। इस चंदू दे कहण ते मेरे तो पाप करवाया गया सी। बाज दी अख एक शिकारी दी अख हुंदी आ। हर शिकारी इनू फड़ना चाहुंदा है ताकि ये शिकार फड़न विच मदद करे, पर बाज फड़ना कोई सौखा काम नहीं है। ते जंगली बाज नु पालतू करना उस तो भी मुश्किल काम है। जनाब इन्होंने तो साडा बाज फड़ लिया। अज इन्होंने बाज नू हाथ पाया ते कल ताज नू पाणगे। हरगोबिंद नू रिहा करके बादशाह ने बहुत वड्डी गलती कीती आ। इन्होंने अपनी फौज बना ली आ, अपने बाज रखे आ। हुण ये जरूरत होगी इन्हां दी कि मुगल सल्तनत का शाही बाज फड़ लिया। इस गुस्ताखी का हरसाना तो उन्हां नू भरना ही पएगा। हुण बादशाह हिंद शाहजहां खुद तय करनगे इन्हां दा अंजाम। मेरे बाप दादिया ने इन्ने मुल्क जीते, पर इन्ने तसीहे देण दे बावजूद भी इन्ना मुट्ठी पर सिखां तों हार मान ली। पर मैं इहदा नहीं होण दवांगा। मैं इन्हां नूं जड़ों उखाड़ दवांगा, इन्हां दा वजूद मिटा दवांगा। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो। हर कपड़ो हर सोबा देवो, हर कपड़ो हर सोबा देवो, चित सबरे मेरा काजो। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो। भाइयों देओ किथे जा रहे हो?
ओए की होया व्याह ही है कोई जंग ते नहीं थोड़ा साल है ते आ लड्डू खा ओए पता है बरात आन वाली है मैं दरिया लैन आया ओए तू खा लड्डू जदो जलेबियां निकलन गया उदो मेनू भी बुला लई भैणा ए दरिया कित्थे रखियां वीरे छत ते पईयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਦੀ ਚੰਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕ ਹੋਣਗੇ ਲਗਭਗ 7000 ਤੁਰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 700 ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਕੱਢੋ ਸ਼ਸਤਰ
माता जी माता जी, असी जंग जित गए हैं। गुरु जी ने दुश्मनों के सिर ऐदा भन्ने जिदा गंढे होण। तेरा पुत्र दुश्मनों के सिर इंज ही भन्नेगा। आए साड़ी पहली फतेह दी निशानी। फतेह ते होनी सी, क्योंकि जंग जर जोरू जमीन दे लई नहीं सी, बल्कि जबर ते जुल्म दे खिलाफ सी। अब्बा जान ले आओ, मैं मदद कर देनी हूं। तू इत्थे की कर दी है? क्यों, अपने अब्बा जान दे घर आना मना मैनू? नहीं, मेरा मतलब आ आसमा खान नू भी मलम पट्टी दी लोड़ होवेगी। तू उनू छड़ के इत्थे की कर दी है? उन्हां नू तां झरीट तक नहीं आई, आराम नाल अपने कमरे च खाना खा रहे ने। नाले तानू क्यों इन्ना चाह चढ़िया अगे हो के लड़न दा? जे मैं ना लड़िया तां पता है अपने किन्ने शहीद हो जाणगे? मैं जानदी हां कि तुसी उन्हां नू अगे वध के लड़न नहीं दिंदे। नाले ओ कह रहे सी कि तुहानू पछम जाण दा हुक्म होया। है तां सगो खुशी दी गल है कि पछम दिया सरहदां तों सारे हमले असी रोकांगे, तां कि अमृतसर चे अपने लोग आराम नाल रह सकन, ते इत्थों आपे विधि चंद संभाल लेगा। पर सानू की भेजिया जा रहा है पछम वल मरण लई? पछम दिशा तो कौन आएगा हिंदुस्तान विच, जद पहले मुगल आके वसे होए ने। असली काम तां विधि दा है, मुगलां नाल लड़ाई ते गुरु घर नाल प्यार। अब्बा हजूर सही फरमा रहे ने, हुकम आया तो जाना तो पएगा ही। ऐ ओही गुरु घर है जिन्हें मैनू सब कुछ दिता है, मैनू पालिया, लड़ना सिखाया, हसदा खेड़दा परिवार दिता, ते भेज दिता पछम च लड़न दे लई। ऐ गर्मी ना पछमी सरदां लई बचा के रख, उत्थे वैसे ही बड़ी ठंड आ। तुसी दोवे ठंडे हो जो, जंग कर करके दिमाग गर्म होए पए। जंग ते असी जित ही गए हां, हुण घर विच व्याह भी है भैण वीरो दा, ते होर भी बड़े काम ने। चलो चलिए। मेरी गैर मौजूदगी विच गुरु जी दा ख्याल रखना, उदों तक मैं मोर्चे ते दुश्मना दा ख्याल रखदा। जे कोड़े दुनिया च किसे ने वेखे नहीं होणगे। खूबसूरत जानवर, लम्मे लम्मे रेशमी वाल, चमकदा बदन, मजबूत पैर ते संघनी पूछ, वाह! वेखो तो ऐ लगदा जिवें इना कोड़िया नू उपर वाले ने फुरसज बनाया होवे। पता ही नहीं किदा ऐन जंगल दे विच मुगलां दीआं टुकड़ियां ने आके मैनू घेर लिया। मैं उन्हां नू कहा इह कोड़े तोहफे है किसे दे लई। ये घोड़े सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद जी लेने। उन्होंने घोड़ियां दी लगाम मेरे तो खोली ते कहा, तू जा, इन्हां घोड़ियां नू सच्चे पातशाह तक असीं आपे पहुंचा देंगे। अपनी चीज जे मुगलां कोल पहुंच गई है तां उस नू वापस लियाना जरूरी है। फिर तो सानू मुगलां ते हमला करना पएगा, ये खतरे तो खाली नहीं है। घोड़ियां नू लियाउण लई मैनू किसे फौज दी लोड़ नहीं है, बस गुरु साहब का आशीर्वाद ही काफी है। ओए खाला मेरे बाप खाला, ओए कित्थों फड़ लिया हो इस घोड़े नू? इन्ने दिनों का कुछ नहीं खादा, खच्चर किसे थां दा। इन्ना क्यों डरदा है तू इन्हां तों? सुखी घा खवा रहा है, आ देख चंगी हरी हरी काल है,
ते उत्ते रखे कि सेब, फिर किदां नहीं खाणगे? खा, तू भी खा, ले खा। रहन दे, मरण दे इन्हां नूं। ओए, ओ दूर ही रही, बड़ी जोर दी तलती मार दे आ। ले खा। ए मूर्ख, ए बेवकूफो, आज दे ने कोड़िया ने कुछ ना ना खादा तो तोड़ी खार नहीं है। आज ए कोड़े भुखे रहे तो तोड़े मैं सिर कलम कर दूंगा, समझे ना? सत करतार जी। ध्यान रखिए दा। गलिया सड़िया घा, तेरी जुरत किदा हुई? मुगल अस्तबल च घा भेजन दी? आ खास घा ताडे लई लियांदा रावी दे कंडे तों वढ के, इहो जिहा घा किते नहीं जे तुहानूं लभणा। ओ साडे घोड़े तां मूंह वी नहीं लांदे इस घा नूं। जे अज घोड़िआं ने घा ना ना खादा तां सिर कलम करवा देंगे विच बाजार। जनाब, इहदे घा नूं तां कोई गधा भी मूंह ना लावे। तुसीं मुगल ते अरबी घोड़िआं दी गल करदे हो। अजी मेरे कोलों घा खरीदो, दिल खुश हो जाएगा, घोड़िआं दा वी ते तुहाडा वी। जे इहनां तेरा घा नहीं खादा ना तां तेरा सिर वी इहनां दे नाल ही कलम कर देंगा। जनाब जी, मेरे हत्थों घोड़े घा जरूर खाणगे। ओ इहो जिहा की खास है तेरे घा विच? जे तेरा घा भी नहीं खादा ना तो तेरा सिर भी कलम कर देंगे, नाले हाथ भी। ए, 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 मेरा वादा है कि घोड़े आज रात भूखे नहीं रहेंगे। ठीक है, चल साढ़े नाल। ना जदों मैं कह दिता कि सिर कलम कर देंगा तो तू हाथ वड़न की धमकी क्यों दे रहे? और जदों सिर ही कलम करता तो हाथ वड़ के की करेगा? तू दुआ कर के घोड़े कुछ खा लैन, नहीं तो साढ़े सिर कलम कर दिते जाएंगे। घोड़े तो घा सुट देना सामने, भजा इत। Thank you.
ਇਹ ਮਰੂਗਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਵਾ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾ ਤਾ, ਰਾਵੀ ਕੰਢਿਓਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਕੌਣ ਆ, ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ। ਅਸਤਬਲ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਜਨਾਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਮੌਜਾਂ ਲੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਸਮਝੇ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ। ਦੇਖ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢੂਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਚੰਦਾ ਕਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੁਝ? ਆ ਲਓ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਮਦਰਾ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦਰਿਆ ਚ। ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਓਏ ਚੰਦ ਘਾਈਆ ਕਿੱਥੇ? ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਘਾਈਆ ਚੰਦ ਚੜਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਾਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜੂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਘਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਮਰਵਾਏਗਾ? ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜੇ। ਓਏ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ? ਓਏ ਲੱਭੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਮਝੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਵਾਹ, ਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ,
फिर भी दिलबाग नूं मुगल किले चो कढ लियाए। ये तां बिधी चंदी कर सकदे सी। दिलबाग नूं हुण गुलबाग तो बिना चैन नहीं आउणा, ओनू भी हुण लियाउणा ही पवेगा। पर बिधी चंद जी, तुसीं दुबारा उत्थे नहीं जा सकदे, पछाणे जाओगे। ओए तू फिकर ना कर, मैनूं कोई नहीं पछाण सकदा। जनाब की दसा, ये धोखा धड़ी करके लोगों नूं बेवकूफ बनांदे आ जी। नहीं हकली हकली, धरती निकल गई जां आसमान खा गया। हकली हकली, ये ते अल्लाह दा बंदा लगदा है। मैनू वेखते कहन लगा जे तुहाडा कोई घोड़ा गुम होया। ये ते चंद चढ़ा गया कोई। हकली हकली, तुहाडा घोड़ा इत्थों ही चोरी होया ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, इत्थों ही चोरी होया सी जी। गैब हुई सी घोड़े दी काठी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही किया जी, तुसी बिल्कुल सही किया। काठी लियाओ ते इस घोड़े ते पाओ जिवें पहले ते पाई गई सी। एनु किदां पता कि दूजा घोड़ा भी है? मैं दस्या सी, काठियां कड्डो, घोड़ा लेके आओ। हट 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 हट, सब दूर दूर हो जाओ। हण है क्या, सब दूर दूर हो जाओ। है की क्या है, की क्या है? ओ हो, हकली हकली, इस घोड़े का कहना है कि इनू अपने बिछड़े हुए भरा दे नाल जल्दी मिलना है। आमीन। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਤਾਂ ਚੰਦ ਘਾਈਏ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤਾਂ ਚੰਦ ਘਾਈਆ ਯਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਮ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਸੀ। पहले घोड़े नु भी मैं लेके गया सी, ते दूजे नु भी लेके जा रहे हैं। रोक सकते हो ते रोक लो। Yeah.
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਲੜ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਛੜਾ ਲਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਾਈਆ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ। ਬੈਰੂਪੀਆ ਆ ਉਹ ਬੈਰੂਪੀਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਖੁਦ ਸੁਣਾ ਦੇਈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ 7,000 ਹੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 50,000 ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ। ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਆਸਮਾ ਖਾਨ। ਆਸਮਾ ਖਾਨ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਇਆ ਹੀ ਲੋਏ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਢਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਢਾਲ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਫੇਦ ਬਾਜ, ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ, ਦੋ ਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ। ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਰ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੋਰ? ਹੋਰ ਕੌਣ? ਆਸਮਾ ਖਾਨ। ਆਸਮਾ ਖਾਨ? ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਸਮਾ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਦਮਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਆਸਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਸਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਸਮਾ ਖਾਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਬਿਲਾਕੁਰ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਸਮਾ ਖਾਂ
आखिर मेरे भी बच्चे वर्गा। ऐ इल्जाम लाके तुसी चंगा नहीं किता, मैं हुणे गुरु जी नु मिलन जा रहा। पहिंदे खां, गुरु साहब सब जान देने, तुसी थोड़ा तीरज रखो, बिधि चंद नु वापस आउन दो, उस तो बाद ही गुरु जी नु मिलना सही रहेगा। गुरु भी सब जानते ने, तुसी भी सब जानते हो, बस मैं ही हां जिनू कुछ नहीं पता। सलाम चाचा जान, बड़े महीने बाद दिसे हो। अस्सलाम वालेकुम, तू किवें है? तुसी आज किवें आए? अब्बा जान दे तुहानू ही मिलन लई हुणे ही निकले ने। हां, उन्हां नाल मुलाकात हो गई, आसमा खान नू मिलना है। की वेख रहे हो बिधि चंद जी? अरबी घोड़ा है, बाकी थोड़ी तो पार्क ही नजर है। वेखो कोई व्यापारी सानू बेवकूफ तो नहीं बना गया, किते अरबी घोड़े दे नाते अफगानी तो नहीं बेच गया? कुछ सिखा ने तेनू गुरु साहब ली आए हुए अरबी घोड़े ते सफेद बाज चोरी करदे अपने अखी वेख्या। आसमा खां कित्थे आ? बिधि चंद चाचा जी आए सी, कह रहे सी कि इन्हां ने गुरु दा बास ते घोड़ा चोरी किया, एक अरबी घोड़ा ते सफेद बास लेके चले गए ने। ते इन्हां ने चाचा जी नूं बड़ा समझाया कि इन्हां दा ही नवा घोड़ा ते बास है, पर उन्हां ने एक ना सुनी। अब्बा जान, हुण किधर गया आसमा खां? वो चाचा जी दे पिछे पिछे गए ने। पर गुरु घर चोरी करके तू चंगा नहीं कीता, हुण तां पेंदे खाई तेनू समझा सकदा है। तुहाडे कहण ते मैं उन्हां दा कीमती समान चोरी कीता, ते बिधि चंद आया ते कल्ला सारा समान वापस ले गया। कीमती समान दा सानू कोई लालच नहीं है। ते फिर मेरे तो चोरी क्यों करवाई? तू ये जान के की लेना है? मुबारक हो
मुबारक हो आलमपना शाहजहां। काले खां ने पैगाम भिजवाया है कि जल्द ही गुरु ते ओदे सिखां नू नैस्तो नाबूद कर दिता जाएगा ते तुहाडे नाम दा परचम फहरा दिता जाएगा। काले खां नू पैगाम भिजवा दिओ कि जे एवें होया तां उस नू रियासतां बख्शियां जाणगियां। देखा किथे है पेंदे? शायद होने थे कदी नहीं आएगा। आसमा खान दे कतल होने तो बाद वो गुस्से च पागल होया मुगलां नाल जा रलिया है। आसमा खान दा कतल? जी, ते वो समझदा है कि आसमा खान दा कतल तुसी कीता है। मेरे ते इन्ना वड्डा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं हुणे पेंदे खान नूं मिलदा है। नहीं नहीं बिधि जी, वो हुण पहले वाला पेंदे खान नहीं रहा। काले खां ने उन्नू तुहाडे खिलाफ बुरी तरह भड़का दिता है ते किसे वेले भी तुहाडे ते हमला कर सकता है। बेदी जी, तुसी फिकर ना करो, पेंदे खान मेरे बचपन दा यार है। मैं जाके उस नाल सारी गल करदा ते किसे भी तरीके उसनू वापस लेके आउंदा। मुगलां दी ताकत उन्हां दी गिणती विच है, साडी ताकत साडे जोश ते हिम्मत विच है। जिन्ना साडे च जोश होएगा उन्नी जल्दी असी मुगलां दीआं तज्जियां उड़ावांगे। माफ करना भाई जी, आ मुगलां दा मुखबर फड़िया टिल्ले ते खड़ा होके साडियां फौजां दी गिनती करन डिया ही। हुण तक की जान गया तू? बस एहो जी कि तुहाडी फौज किन्नी आ, किन्ने घोड़े आ, तुहाडे कोल हथियार किन्ने आ। तेरी ये हालत किने कीती है? पेंदे खान ने। पेंदे, तू ये बहुत गलत कीता है। पाई बिधि जी, एदा भी यही हाल करके पेंदे खान नूं भेजना चाहिदा है। तलवार दुश्मना ते चलाई जांदी है, नहत्थे मुखबरां ते नहीं। नहत्थियां ते तलवार चलाउणा कोई बहादुरी नहीं। पर ये तां साडे बारे सब कुछ जानदा है, इस तरह तो साड़ा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। गुरु जी ने कहा नहीं, उसनु जान दियो। वाह, गुरु जी बारे बहुत सुनिया सी ते आज वेख भी लिया। सूरज की पहली किरण निकलन दे नाल ही सानू तैयार रहना पाएगा। Thank you.
जाबाज लड़ाकुओं आगे बढ़ो। गुरु दे योद्धो समा आ गया है, गुरु दे वचना नु निभाउन दा, आओ रखिया करिए धर्म ते इंसानियत दी। चलो Thank you.
उधर बहुत नुकसान हो रहा है, तुसी उधर जाओ। गुरुजी ने कहा पेंदे तू ललकारिया है, ऐस रही पहला वार भी तू ही कर। कुराहे पे गया सा,
जबरदस्त जुल्मी हो गया सा। चंगा होया तो अड़े हथों मेरा खात्मा होया, हुण सुकून नाल मर सकांगा। लड़ाई खत्म हुई पर सिखा ने युद्ध होर भी लड़ने ने फतेह होर भी पाउनी है। बादशाह दी बर्बत अते अन्याय दे खिलाफ मीरी पीरी दी तलवार चमकदी रहेगी ते तरम दी रखिया करदी रहेगी। ए युद्ध किसे तरम मजहब या किसे इंसानियत दे खिलाफ नहीं बल्कि अत्याचार दे खिलाफ है। जदों जदों सच ते इंसानियत ते काला साया मंडराएगा उदों उदों सिखा दी कौम बुराई नू मिटाउन लई तैयार रहेगी। पंच प्यारे पंच पीर छटम पीर बैठा गुरबारे अर्जन काया पलट गए मूरत हर गोविंद सवारे। एह दासता मीरे दी पीरी दी मीरी पीरी दी एह दासता शक्ति दी भक्ति दी राज फकीरी दी। ना धर्म पुरा है पैन दवे ना जबर जुलम नू सैन दवे मासूम दिरत न वैन दवे ऐ गाथा दा मंगीरी दी। एह दासता मीरी दी जो तपती लोहते पै गए पाने नू मीठा कह गए बने संत सिपाही सबरां चों कटन लई आलम जबरां चों। जद तख्त सजाया दाते ने मजलूमा दे इतकार लई जद मीरी पहनी तख्त लई ते पीरी पर्वत गार लई। एह दासता मीरी दी पीरी दी मीरी पीरी दी एह दासता राज फकीरी दी। राज फकीरी पंच प्यारे पंच पीर छटम पीर बैठा गुरबारी अर्जन काया पलट गए मूरत हर गोविंद सवारी। पंच प्यारे पंच पीर छटम पीर बैठा गुरबारी अर्जन काया पलट गए मूरत हर गोविंद सवारी। तेगा छावे जद फुला महक खिलारी जुल्मा दिया कालिया राता मेहरा दी बली चिंगारी। जद माला फड़ने हथा ने फड़ खंडे कौतक कीता सी पट मानवता दा सीता सी जद दीवियां चानन कीता सी। एह दासता मीरी